नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पर्ल, स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप। और आज बात करेंगे सुबह सा भाजपा फिर आएंगे साथ, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की जोड़ तोड़ चल रही है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की जोड़ तोड़ के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की नजर 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी पड़ गई है। निकाय के साथ साथ लोकसभा चुनाव की भी तैयारियों में भाजपा के नेता जुटे हुए हैं। भाजपा लोकसभा चुनाव में अपने बिखरे हुए साथियों को फिर से एक साथ लाना चाहती है। ओम प्रकाश राजभर के राजभर समुदाय की पूर्वी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गोरखपुर, वाराणसी, गाजीपुर, अंबेडकर नगर, गोंडा और अयोध्या में अच्छी खासी संख्या है। कई सारी विधानसभा सीटों पर इस समुदाय की पकड़ है, इसलिए उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर से सुबह सपा ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात के सियासी अर्थ निकाले जाने लगे हैं। हालांकि ओम प्रकाश राजभर ने साफ कर दिया है कि निकाय चुनाव में भाजपा से गठबंधन नहीं होगा, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए उन्होंने अपने विकल्प खुले रखे हैं। तो क्या लोकसभा चुनाव में एक बार फिर सुबह सपा और भाजपा साथ आने वाले हैं, और ये गठबंधन लोकसभा चुनाव पर क्या प्रभाव डालेगा, ये जानने की कोशिश होगी। लेकिन उससे पहले सुनते हैं राजनीतिक दलों ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है। पूरी ताकत के साथ 17 नगर निगम चुनाव में चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा सभी नगर पंचायतों में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। इस बार नगर निगम पर सपा का कब्जा होगा। भारतीय जनता पार्टी चाहे किसी पार्टी से तालमेल कर ले, अब भारतीय जनता पार्टी से जनता का मोह भंग हो गया है और भारतीय जनता पार्टी कहीं भी चुनाव नहीं जीतेगी। पार्टी इस समय देखा जाए तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जिसके 20 करोड़ सदस्य हैं। भाजपा एक विचार पे चलने वाली राष्ट्रवादी पार्टी है। हम तमाम दलों को पहले भी साथ लेके चले और हमने हमेशा उन दलों का जो विचार था उसको बढ़ाया। कॉमन मिनिमम एजेंडा पे हमने काम किया और मुझे लगता है कि जो भी भाजपा की विचारधारा से जुड़ने वाली पार्टियां हैं वो भाजपा के सहयोग से ही पनप सकती हैं, बड़ी हो सकती हैं। वो लोगों के जो अपने लोगों के बीच में काम करना चाहती हैं वहाँ तक उनका प्रचार प्रसार हो सकता है, क्योंकि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास से चलने वाली पार्टी है। मुझे लगता है ये आगामी चुनाव 2024 से पहले तमाम ऐसे दल जो छोटे छोटे क्षेत्र में काम करते हैं भाजपा के साथ जुड़कर आम आदमी तक पहुंचकर अपनी सेवाएं देंगे। मंत्री जी जब निकले तो उन्होंने कहा कि वैचारिक रूप से राजभर साहब उनके साथ हैं, तो निकाय चुनाव में भी वैचारिक रूप से साथ होंगे या सिर्फ लोकसभा चुनाव में वैचारिक रूप से साथ हैं, ये लॉजिक समझ नहीं आया सर, क्लियर कीजिए। देखिए स्वयं भारतीय समाज पार्टी एक स्वतंत्र पार्टी है जिसके हमारे 6 विधायक हैं वर्तमान में और पूरे उत्तर प्रदेश में संगठनात्मक रूप से गांव गांव गली गली हमारे कार्यकर्ता हैं। उनके हित चिंतन के लिए, उनके निजी कार्यों के लिए, उनकी समस्याओं के लिए हम सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं से संपर्क और संबंध हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व रखता है, जिससे हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो जेन्युइन काम है वो हो सके, उनके हित चिंतन में कार्य हो सके। इसलिए उस अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी के घर गए थे, ये कोई नई बात नहीं है। दयाशंकर सिंह जी रतला से विधायक है जो बलिया, सर नई बात नहीं है, लेकिन टाइमिंग वाली भी बात है उमेश जी। फिर मैं वही पूछूंगी कि मायावती जी को सीएम बनाने की बात कही, उधर से दयाशंकर जी पहुंच गए, इधर से निकाय चुनाव भी आ गए, टाइमिंग्स को लेकर भी तो सवाल है। ये मायावती जी को जो प्रधानमंत्री बनाने के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बात की वो इसलिए की कि समाजवादी पार्टी पिछड़ों की, शूद्रों की, हम शूद्र है, हम दलित है, हम पिछड़े हैं, इसकी बात करती है, तो बीजेपी पिछड़ों की बात नहीं करती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मायावती जी पिछड़ों की बात करती है तो बीजेपी नहीं करती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नहीं, बीजेपी भी करती होगी अपने मन से, तो दोनों दलों में नहीं जा सकते ना, आप एक दल को चुनना होगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये बताना चाहा है कि आप केसीआर के या पश्चिम बंगाल जाके प्रधानमंत्री पद का चेहरा ढूंढ रहे हैं, हमारे प्रदेश में जो देश की 1/6 सीटें और जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश है, सबसे बड़ा प्रदेश है, वहां पर 4 बार की पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती बनती हुई नहीं दिख रही है केसी जैन साहब। दयाशंकर जी निकलते हैं, वो कुछ और बताते हैं, उमेश जी कहते हैं कुछ और कहते हैं, और फिर राजभर साहब भी कहते हैं कि निकाय चुनाव में तो अभी ऐसा कुछ नहीं सोचा है, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए दरवाजे खुले हैं। और उससे पहले वो कह देते हैं कि वो चाहते हैं कि मायावती जी प्रधानमंत्री पद का चेहरा हूं। किसी जैन साहब दयाशंकर जी को मान लें या राजभर साहब को मान लें?
देखिए पारुल जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार है और पत्रकारों के सवालों से कोई नेता बच नहीं सकता है जवाब देने से, कितना भी घुमाए आप लोग अंदर की बात बाहर ले ही आते हैं। तो बता दीजिए अंदर की बाहर बात। जी ने तो राजभर जी ने भी अंदर की बात बाहर बता दी और माननीय दयाशंकर सिंह जी ने भी बात बता दी। देखिए बात यह है कि सच्चाई ये है कि राजभर जी जब से भारतीय जनता पार्टी को जब से उन्होंने छोड़ा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ में जो उनका अनुभव रहा वो कहीं ना कहीं उनके मन को आज भी प्रभावित कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके जिस प्रकार से उन्होंने जनता के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, असहायों के लिए जिस प्रकार से उन्होंने काम किया, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छा मंच उनको दिया, शायद उनको उसी मंच की आवश्यकता है और गरीबों, दलितों, असहायों की मदद के लिए ऑफर कर रहे हैं कि इनडायरेक्टली मंत्री बनाएंगे। नहीं नहीं देखिए वो मंत्री रह चुके हैं और अगर मंत्री बनते हैं तो उसमें हमें नहीं लगता है कि उनकी मंत्री बनने की योग्यता में कोई कमी है। पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं राजभर जी, और राजभर जी एक अच्छी आबादी का नेतृत्व भी करते हैं। तो राजभर जी अगर अगर राजभर जी की जो विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, साथ में रह करके पहले भी काम कर चुके हैं, तो वापस अगर साथ में रह करके काम करते हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन जहां तक भेंट मुलाकात की बात है, तो अभी जो जो राजभर पार्टी के साथी ने जो बातें, सुभाषपा के साथी ने जो बातें कही अभी, तो सही बात है कि राजभर जी सबसे भेंट करते रहते हैं, बदल रहा है, तब नहीं बदला था जब ओम प्रकाश जी ने रास्ता बदला था, अब दोबारा ये प्यार बदल रहा है, क्या राज है सर? देखिए इंटरनली सीटों को लेकर कुछ फॉर्मूला तय हुआ है क्या, निकाय चुनाव को लेकर ना वो बोल रहे हैं ना पारुल जी? जहां तक नहीं देखिए निकाय चुनाव को लेकर के उन्होंने अभी अपनी मंशा जाहिर की है, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि हो सकता है, क्योंकि अभी समय है, अभी घोषणा होनी है, अभी डेटों की ऐलान होना है। हाँ। और राजभर जी का जो क्षेत्र है, जितना क्षेत्र है, वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है और स्वयं राजभर जी भी उस चीज को स्वीकार करते हैं, तो ऐसे में पूरे प्रदेश में एक तारतम्य बन सकता है। और अभी उन्होंने अपनी मंशा जाहिर की है, लेकिन आगे जो बाकी जगह मायावती जी को लेकर जाहिर की, शायद इसलिए दयाशंकर जी वहां दौड़े दौड़े पहुंचे। नहीं देखिए दयाशंकर सिंह जी पहले सदन के अंदर भी मिल चुके हैं राजभर जी से, और हमारे हमारी जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो एक संस्था बना रखी है, माननीय ब्रजेश पाठक जी ने, उस संस्था में बड़े पद पे पदाधिकारी भी है, एक बड़ा कार्यक्रम भी हुआ था अटल जी की याद में, तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पहले से जुड़े रहे हैं, और जब वो सरकार में, भले सरकार में साथ में नहीं, लेकिन उनका लगाव और मेल जोल जो है वो तो लगातार बना हुआ है। और प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी जी होंगे, जगह खाली होने वाली नहीं है, लेकिन ओम प्रकाश जी अलग कुछ कह चुके हैं। नहीं हमें लगता है कि ओम प्रकाश जी ने बहुत अच्छा, हमें लगता है ओम प्रकाश जी ने बहुत अच्छा कटाक्ष किया है विपक्ष के ऊपर, जिस प्रकार से विपक्ष कभी कहता है ममता बनर्जी जी को, कभी किसी को कहता है, कभी किसी को कहता है, तो हमें लगता है राजभर जी ने कटाक्ष किया है कि अगर हम उत्तर प्रदेश से हैं और उत्तर प्रदेश से अगर आप दलित चेहरा ढूंढ रहे हैं, एक एक महिला चेहरा ढूंढ रहे हैं, तो ऐसे में आप इनके बारे में चर्चा क्यों नहीं करते? तो ये तो विपक्ष के ऊपर एक कटाक्ष है, हमें नहीं लगता है इसमें कोई संजीदगी, कोई उस तरीके की बात है, क्योंकि जिस पार्टी था आप लोगों के लिए, जिस पार्टी का एक विधायक बचा है उत्तर प्रदेश में, जिसकी कभी सरकार हुआ करती थी एक, और उस पार्टी को लेकर के हमें नहीं लगता है कि संजीदगी भरा बयान जो है राजभर जी, तो समझदार हैं, उनको पता है उनका वोट प्रतिशत कितना है उत्तर प्रदेश में। देखिए राजभर जी भी बहुत मजे हुए खिलाड़ी है राजनीति के, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में बहुत लंबे समय तक रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके जनता के दुख दर्द को बांटने में, जनता के दुख दर्द को कम करने में जो भूमिका उनकी रही है और जो भारतीय जनता पार्टी ने सहायता की है, हमें लगता है आज सहायता की फिर से आवश्यकता है। बढ़ता हुआ प्रेम राजभर जी के लिए जरा हजम नहीं हो रहा है। खैर लौट रही हूँ आपके पास, सभा के पास जा रही हूँ। अभिषेक जी क्या कहेंगे, ये जो प्रेम उमड़ रहा है, ये दोस्ताना है, ये क्या रंग लाएगा आगे? पारुल जी जब हमारे भाई केसी जैन जी जब बड़ा इंटरेस्टिंग बातें कर रहे थे तो मुझे थोड़ी सी हंसी आ रही थी कि इनके ही पार्टी के कुछ लोग अभी तक राजभर जी को अभी तक बिन पेंदी के लोटा भी बोलते थे कि कभी इधर कभी उधर।
उसके बाद अभी इन्होंने कहा कि बड़े मजे हुए खिलाड़ी हैं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन एक साथ इन्होंने और जोड़ा कि कटाक्ष, जब अरे साहब कटाक्ष कर रहे हैं तो इसमें यह भी तो देखिए भारतीय जनता पार्टी भी तो उसी लपेटे में आती है, और जब सभी लोग जानते हैं उनकी उनका जो रवैया है, जो उनका नेचर है, उस नेचर के हिसाब से वो सब पे कटाक्ष करते हैं, तो इस बात पे कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। उसमें भारतीय जनता पार्टी भी है, उसमें सभी पार्टियां सम्मिलित हो जाती हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तब उठता है जब 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 आदरणीय राजभर जी इस बात को कहते थे कि हम जनता के सुख दुख के लिए कभी भारतीय जनता पार्टी से हम समझौता नहीं कर सकते, सुखों के लिए समझौता नहीं कर सकते, उनके दुख क्या है उस पर हम समाधान चाहते हैं उसे सबसे पहले, जब उन्होंने सदन में एक लाइन बोली थी कि हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा था जो पिछले 6 महीने से पेंडिंग पड़ा हुआ था, मुझे लगता है कि शायद उस पर भी एक बार बताना चाहिए था राजभर जी को, और साथ में यह भी बताना चाहिए था केसी जैन जी को कि जिनके यहाँ के विधायक ने जो रोड बनाई गई थी उसकी पट्टी पोल पट्टी खोली थी तो उसको भी बताना चाहिए था कि कैसे बंदरबांट हो रहा है, तो अंदर भी अंदर घाट में क्या क्या बातें हो रही है ये तो उस पर सबसे बड़ी चीजें हैं। ये हमारा स्टैंड नहीं भाई, ये तो पार्टी उनकी पार्टी का निर्णय, वो किसके साथ जाते हैं किसके साथ नहीं जाते हैं, लेकिन जनता को ठगने का काम आदरणीय राजभर जी कर रहे हैं, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के हित में आज वो आपके साथ भी हुआ करते थे सर, मैं इसी बात को बोल रहा हूँ, जिन भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने बोला था कि मैं कभी इनके साथ नहीं जा सकता हूँ, बाकी मैं इनके साथ कभी नहीं हूँ, जनता के दुखों के लिए हमेशा मैं खड़ा हुआ हूँ, आज वो कौन सी बातें हो गई है, आज वो कौन सी चीजें आ गई हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ बैकडोर से गले मिल रहे हैं। नहीं, उस वक्त का पॉलिटिकल सिनेरियो मैं याद कराऊं अभिषेक जी आपको कि किस तरह से राजभर जी इंतजार कर रहे थे कि अखिलेश जी उनसे बात करें, लेकिन उनसे डायरेक्टली बात नहीं हो पाई थी अखिलेश जी की, और फिर जब उनसे पूछा गया था तो उन्होंने भी यही कहा था जिसको जाना है वो जाए। मैं तो यही बात कह रहा हूँ, जिसको जहाँ जाना है वो जाएगा, उनकी पार्टी तो वो खसके नहीं, वो नहीं खसके, उन्हें खसकाया गया है सर आपकी पार्टी से। देखिए ये तो देखने वाली बात है, हम कभी खिसकाने की ओर जाते ही नहीं, हम तो कहते हैं, आज भी कहते हैं हमारी बाहें तो खुली हुई है, जो आना चाहता जनता के सहयोग, अखिलेश जी ने तब खोल दिया होता तो निकाय चुनाव में आपकी सीटें बढ़ जाती, वोट परसेंट बढ़ जाता सर, आप ही के साथ तो थे वो तब भी, और हारने के बाद भी आप ही के साथ थे वो, हमारे हमने तो आपकी बात का वही बात तो कही ना पारुल जी कि हमने कभी खिसकाया थोड़ी ना है, आदरणीय अखिलेश यादव जी अपने काम पे कर रहे हैं, अपनी रणनीति पे काम कर रहे हैं, बाहें जितनी बड़ी आप टेलीविजन स्क्रीन पर बैठकर खोल रहे हैं, अखिलेश जी ने भी उतनी बड़ी बाहें खोल दी होती अगर तो ये राजभर वोट बैंक को लेकर चर्चा नहीं हो रही होती सर। शायद मुझे लगता है पारुल जी आपको याद नहीं है आदरणीय अखिलेश यादव जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने सदन में भी इस बात को कहा था कि जिस अगर राजभर जी आना चाहे तो आज भी उनका स्वागत करते हैं, आपको चीज भूल गई, सदन में उन्होंने खुलेआम कहा था। लेकिन पारुल जी ठीक है, सदन में कह सकते आने के लिए, लेकिन बोलने का अधिकार नहीं समाजवादी पार्टी में किसी को। दूसरी बात ये कि आदरणीय वाजपेयी जी जो बात कह रहे हैं, हमारे मित्र वाजपेयी जी जो बात कह रहे हैं कि बाहें खुली हुई हम चाहते हैं अभी आ जाए, लेकिन दरअसल समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी को इस बात का डर सता रहा था कि जिस प्रकार से जितने भी नेता समाजवादी पार्टी में रहे वो सेकंड नंबर पे रहे या फोर्थ नंबर पे रहे फिफ्थ नंबर पे रहे, लेकिन राजभर जी कहीं ना कहीं अगल बगल खड़े दिखाई दे रहे थे, लेकिन ये चीज अखिलेश यादव जी को हजम नहीं हो रही थी, और समाजवादी पार्टी में वो बड़ा विचित्र प्रेम है आप लोगों का राजभर जी से, जो याद चुनाव के समय आता है उसके बाद उनको सत्ता कर देता है। खैर लौट रही, मैंने कहा ये बड़ा विचित्र प्रेम है आप लोगों का राजभर जी से, जो उनके बारे में बुरा भी नहीं कह पा रहे और उनको अपने पाले में भी नहीं ला पा रहे। मनीष जी को इन कर देती हूँ, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, कांग्रेस का पक्षक निकले हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष जी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ, और साथ ही ये जानने की कोशिश करेंगे कि राजभर वोट बैंक कोई छोटा वोट बैंक नहीं है उत्तर प्रदेश में, जहाँ एक तरफ हम देखते हैं विधानसभा सीटें कम 60 पे डायरेक्टली और 100 पर इनडायरेक्टली ये प्रभाव रखते हैं, और राजभर प्रेम आप देख ही रहे हैं डिबेट में कितना जाग रहा है, ये राजभर प्रेम आपकी पार्टी में भी है क्या? पहली बात तो मैं ये स्पष्ट कर दूं यहाँ बैठे सभी लोगों को कि हमारी पार्टी कभी जातिवाद और धर्मवाद की राजनीति नहीं करती,
और जहां तक राजभर प्रेम की बात है तो हमने कभी किसी को गैर या किसी को ऐसा समझा नहीं। और रही बात अभी माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी की, तो उनकी नेटवर्क इशू है सर, आपके यहाँ से वॉइस ब्रेक हो रहा है। ठीक है, ऑडियो चेक कर लीजिए मनीष जी का, हम लौट रहे हैं वापस मनीष जी आपके पास। उमेश जी देखिए, सबकी बाहें खुली हैं आप लोगों के लिए, लेकिन आप कहाँ जाना चाहते हैं ये आप ही को पता है। एक तरफ दयाशंकर जी आते हैं मिलकर जाते हैं, और दूसरा अब सफाई करें, हमने तो कब भी बाहें खुली हुई रखी थी, अभी आपके लिए भी बाहें खुली हुई हैं, क्या कहेंगे उमेश जी? देखिए वापस आ रही हूँ, थोड़ा ऑडियो चेक ले लूँ आपका दोबारा से। मनीष जी वापस आ रही हूँ, जरा चेक कर लीजिए मनीष जी का, ऑडियो ब्रेक हो रहा है बीच में। जी उमेश जी कहिए। पारुल जी आप जो कह रहे थे कि सभी ने मेरे लिए हमारे लिए बाहें खोल रखी है, इसके पीछे कारण है, हम वो शून्य है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वो शून्य है जिसके आगे लग जाते हैं उसकी कीमत बढ़ा देते हैं। प्रत्यक्ष उदाहरण है 45 से 125 गठबंधन पहचाने वाले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे ओम प्रकाश राजभर जी के। अरे उमेश जी, उमेश जी 45 से 125। देखिए वाजपेयी जी आप बोल रहे थे, अब हमें सुनिए, अब एक बढ़ा देने वाले और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, हमारी उपयोगिता इसलिए है कि हमारा जो संगठन है, हमारे कार्यकर्ता है, वो उत्तर प्रदेश से बिहार की धरती तक गांव गांव गली गली बहुत उत्सुकता और आशा भरी निगाहों से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और सर, लेकिन इतने सालों से आपकी पार्टी में ओम प्रकाश राजभर जी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और हमेशा लड़ाई पिछड़ों को आगे बढ़ाने की, उनका उद्धार हो सके, ये लड़ाई खत्म क्यों नहीं हो पा रही? दल भी बदल रहे हैं, रणनीति भी बदल रहे हैं, और आप बता रहे हैं कि कितना बड़ा शून्य है वो, जिसके आगे लग जाए, जिसके साथ लग जाए उसको आगे बढ़ा देते हैं, तो ये शून्य अपने चुनावी समय में क्यों समझता है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं पारुल जी, ये जो 20 साल का संघर्ष है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किस परिवार से आए, उन्होंने किस तरीके से गरीबी समस्याओं को और तरह तरह की चीजों को देख के आया है। जो व्यक्ति बहुत धीरे धीरे किसी चीज का विस्तार कर पाएगा, ना तो 135 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी नहीं, है, तो निर्णय आपके गलत हो जा रहे हैं क्या? बीजेपी, सपा, बसपा, नहीं तो गठबंधन जी ने किया। ठीक है मनीष जी, टाइम पास कम है, पहले एक मनीष जी का वर्जन ले लेते हैं, उसके बाद 30-30 सेकंड आपके पास आएंगे। बताइए मनीष, जल्दी से कंप्लीट कीजिए। मैं यहाँ बैठे सारे प्रवक्ताओं से बस एक छोटी सी बात पूछना चाहूंगा, क्या 2024 के चुनाव को भी आप जातिगत, धर्मगत इन्हीं सब चीजों में बांध कर देख रहे हैं, या लगातार आप कोशिश कर रहे हैं कि यह चुनाव भी उत्तर प्रदेश में इस तरीके से हो कि जनता यहाँ जातिगत और धर्मगत के अंधेरे में पूरी तरह से ढकेल दी जाए और सभी पार्टियां अपना मकसद साध लें? जैसे अभी थोड़ी देर पहले दलितों के मसीहा बन रही अनेक पार्टियां यहाँ पे कह रही हैं, मैं इन्हीं पार्टियों से पूछना चाहता हूँ कि जब हाथरस में एक दलित बेटी के साथ अत्याचार होता है तो ये दलितों की मसीहा बनी पार्टियां कहाँ रहती हैं? उस समय ये अपने एसी कमरों में आराम करती हैं और एक दूसरी पार्टी उस पर अत्याचार करती है, उस समय बोलने में इनके मुंह में दही जमी रहती है। 30 सेकंड केसी जी साहब। देखिए, जहां तक उत्तर प्रदेश में गठबंधन को लेकर के या आने वाले चुनाव को लेकर के जिस प्रकार से कांग्रेस ने एक सवाल खड़ा किया, तो देखिए उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने स्वीकारा है, और हम जो आपने जात की बात की, धर्म की बात की, हम जब भी चुनाव में गए हैं तो विकास को लेकर के, डेवलपमेंट को लेकर के और अपने काम को लेकर के जनता के बीच में गए। उसके बाद भी राजभर जी से प्यार है आपको, मतलब आपको तो फिर अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए ना। ठीक है अभिषेक जी, 30 सेकंड में कंप्लीट कीजिएगा। देखिए पारुल जी, इनके भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जनता ने इनका चरित्र जान लिया है कि अभी तक ये भारतीय जनता पार्टी से अलग थे, अपने अपना निजी स्वार्थ और अपनी पार्टी के निजी स्वार्थ के लिए अब ये वापस से भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता इस बात का इनको जवाब भी देगी। ठीक है उमेश जी, 30 सेकंड सर। पारुल जी, वाजपेयी जी से यह पूछिए कि हमको तलाकनामा किसने भेजा था? जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आजमगढ़ की गलियों में आपके चचेरे भाई को लड़ाने गए और आपको 4 बार निवेदन किया कि आप आए, तो आप एसी महल से निकले नहीं,
फिर हमें चिट्ठी लिख दी, हमने कबूल कर ली, आप हमसे कह रहे हम आपको छोड़ के गए, अपमान तो आपने हमारा किया है। अरे उमेश जी, जब वक्त था तब सुलझा लेना था, अब इस मसले को सुधार रहे हैं जब गाड़ी आगे निकल चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे जहां अब राजभर वोटों को साधने की कवायद शुरू हो गई, यूं कहिए कि ओम प्रकाश राजभर को अपने पाले में कैसे लाया जाए, दल इस तरह से उनके ऊपर डोरे डाल रहे हैं। अब ओम प्रकाश राजभर जी का स्टैंड है कि वो किसके पास जाना चाहते हैं, लेकिन सच तो ये भी है कि जैसे उन्होंने कहा मायावती जी प्रधानमंत्री पद का चेहरा, तो दयाशंकर जी पहुंच गए उनके पास और उसके बाद चर्चा निकली, कहा वैचारिक रूप से हमारे साथ हैं, लेकिन उसके बाद भी निकाय चुनाव में हम साथ साथ हैं वाला नारा नहीं लगा रहे हैं राजभर जी। वो कह रहे हैं लोकसभा में दरवाजे खुले हैं, यानी स्थिति फिलहाल साफ नहीं की उन्होंने, लेकिन बाकी दलों को डर है कहीं इतनी बड़ी आबादी, इतना बड़ा वोट बैंक हाथ से कहीं और ना चला जाए। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।